आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ड्रीम इलेवन कैसे खेल सकते हो और ड्रीम इलेवन में टीम कैसे बना सकते हो और ड्रीम इलेवन में टीम को एडिट कैसे कर सकते हो। ड्रीम इलेवन का हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं और आप ड्रीम इलेवन में पैसा कैसे कमा सकते हो, हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है और उसके बाद आपको ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आपको प्ले स्टोर में ड्रीम इलेवन नहीं मिलता तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिए हुए लिंक से ड्रीम इलेवन को आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको ड्रीम इलेवन देखने को मिल जाएगा। आप सबसे पहले ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन का रेटिंग देख सकते हो जो 3.9 है। अगर किसी ऐप का रेटिंग 4 पॉइंट के आसपास रहता है तो वो ऐप बेस्ट कहलाता है। उसके बाद आप इस ऐप का डाउनलोडर देख सकते हो, 50 मिलियन के आसपास डाउनलोडर है, मतलब 5 करोड़ के आसपास इस ऐप को डाउनलोड किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपका ऐप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ऐप ओपन होता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन, एंटर कोड और यहाँ पर आपको दिखाई देगा लॉगिन। अगर आप पहले से ही लॉगिन कर चुके हो तो यहाँ से लॉगिन आप कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो अपने मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर भी कर सकते हो। अगर आप किसी के रेफरल कोड के जरिए से आप इसे लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पे इनवाइट कोड डाल सकते हो और अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद रजिस्टर हो सकता है। मैं इसे पहले ही लॉगिन कर चुका हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसे अपने मोबाइल नंबर के जरिए से लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही अगर आप अपना मोबाइल नंबर दोगे तो आपका मोबाइल नंबर में OTP गिरेगा जो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि आपका ड्रीम इलेवन ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि ड्रीम इलेवन में आखिर होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारा स्पोर्ट्स होता है, जैसे कि हो गया क्रिकेट, हो गया फुटबॉल, हो गया बास्केटबॉल, हो गया वॉलीबॉल, हो गया और एक बेसबॉल हो गया। ऐसे ही आपको यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप टीम बनाकर पैसा कमा सकते हो। तो चलिए आपको क्रिकेट के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इस ऐप में 95% पीपल, मतलब 95% प्लेयर सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, क्रिकेट ऐप में अपना दाव लगाने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिकेट ऐप के बारे में ही बता देते हैं, मतलब क्रिकेट इस ऐप में कैसा खेला जाता है वो चीज़ आपको बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्रिकेट खेलने के लिए हमें 2 टीमों की ज़रूरत होती है, 2 टीमों की, और दोनों टीम में 11-11 प्लेयर होता है। आप इस ऐप में क्या कर सकते हो, अगर किसी यहाँ पर आपको बहुत सारा कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएगा, आपको पर कॉन्टेस्ट में 22 प्लेयर देखने को मिलेगा। आप 22 प्लेयर में से आप 11 प्लेयर को चुनकर अपना पर्सनल टीम बना सकते हो। अगर आपका टीम बेहतर परफॉर्मेंस करता है तो आपको फर्स्ट प्राइज मिलता है। जैसा रैंक लाएगा, मतलब आपका पर प्लेयर आपको पॉइंट देता है, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, इस तरह का आपको पॉइंट देता है। अगर आपका प्लेयर अच्छा पॉइंट देता है तो आपको अच्छा पॉइंट मिलेगा, मतलब आपका पॉइंट बढ़ेगा और आप ऐसे रैंक के हिसाब से आप फर्स्ट रैंक में आकर फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ भी जीत सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं किस तरह का टीम बनता है और कैसे क्या होता है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा फर्स्ट प्राइज, यहाँ पर एक 25 रुपया एंट्री फी वाला दिख जाएगा जिसमें 1,26,000 आपको मिलेगा फर्स्ट प्राइज। और इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर, रुकिए दिखा देते हैं थोड़ा इसको कट करके, यहाँ पर आप देख सकते हो, रुकिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इस कॉन्टेस्ट में 2,000 स्पोर्ट्स, मतलब का 2,000 आदमी ज्वाइन होएगा तभी ये फुल हो जाएगा। अभी इसमें 1,358 स्पोर्ट्स लेफ्ट है, मतलब 1,358 आदमी इसमें अभी ज्वाइन हो चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा जैसे कि आप 3 रुपया, अगर आप 3 रुपये लगाते हो तो आपका फर्स्ट प्राइज रहेगा 10,000, जहाँ पर आपका 77 आदमी जुड़ चुका है और 339 आदमी इसमें जुड़ेगा तब ये फुल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारा कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 9 रुपया लगाना है, 9 रुपये लगा कर आप 10,000 जीत सकते हो, 10,000 रुपये जीत सकते हो। आपको सिर्फ 222 स्पोर्ट्स, मतलब 222 आदमी इसमें जुड़ेगा। ऐसे ही आपको बहुत सारे कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, अगर आप 1 नंबर से 420 नंबर के बीच आते हो
तो आपको 300 रुपये मिलेगा, 9 रुपया के बदले मतलब 25 रुपये के बदले आपको साढ़े मतलब 25 रुपये के बदले आपको 300 रुपये मिलेगा अगर आप 420 नंबर के अंदर आ जाते हो। मतलब 2000 प्लेयर के अंदर आपको मतलब 420 प्लेयर के अंदर आना तब आप 300 रुपये जीत जाओगे। और यहाँ पर आपको ऐसे ही बहुत सारा स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 रुपया वाला है, 3 रुपया वाला आपको दिखा देते हैं। अगर आप फर्स्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगा 339 यहाँ प्लेयर है, अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको 1000 रुपये मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 रुपये मिलेगा। अगर आप सेकेंड आते हो तो आपको 600 रुपये मिलेगा, अगर आप थर्ड या फोर्थ आते हो तो आपको 300 रुपये मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर आपका रैंक के हिसाब से आपका प्राइस बांट दिया जाता है। और चलिए आपको सबसे पहले एक टीम बनाकर दिखाते हैं कि आखिर टीम कैसे बनाया जाता है। जैसे चलिए यहाँ पर आपको नीचे फ्री का टीम एक ज्वाइन रहता है, वहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पर एक ज्वाइन है, चलिए यहाँ पर ज्वाइन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा श्रीलंका पाकिस्तान, और यहाँ पर आपका प्लेयर दिख जाएगा श्रीलंका क्या बोलते हैं श्रीलंका का प्लेयर, और यहाँ पर आपका यहाँ पर क्रेडिट लेफ्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखता होगा। ठीक है, आप जितना जितना प्लेयर चुनोगे यहाँ पर आपका ये वाला वाइट वाला भरते जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर 4-5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। डब्लू के मतलब विकेट कीपर, आपको विकेट कीपर चुनना है कि मेरा आखिर आपका यूनिक टीम का विकेट कीपर कौन रहेगा। उसके बाद आपको बैट्समैन चुनना है, आपका बैटर्स कौन रहेगा जो आपको अच्छा पॉइंट दे सके यूनिक टीम में। ठीक है, श्रीलंका और पाकिस्तान के यूनिक टीम में आपको कौन अच्छा पॉइंट देगा वो आपको बताना है। उसके बाद AR मतलब ऑलराउंडर आपका कौन अच्छा पॉइंट देगा वो आपको रखना है। ठीक है, अच्छा टीम बना के रखना है। उसके बाद आपका बॉलर्स, आप बॉलर चुन सकते हो, आप जो आपको अच्छा पॉइंट देगा वो उसे आप चुन सकते हो। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन सा प्लेयर कौन सा टीम का है, कौन सा देश से खेल रहा है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा PAK मतलब पाकिस्तान का ये प्लेयर है। यहाँ पर SL दिख जाएगा मतलब श्रीलंका का प्लेयर है। इसी तरह आपको बहुत सारा प्लेयर देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टाइम दिख जाएगा कि ये मैच कब क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, क्रिएट टीम मतलब 46 आवर्स लेफ्ट है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर दो विकेट कीपर, या अगर आपको अच्छा लगता है एक या दो, आपको जो अच्छा लगेगा ये ज़्यादा विकेट कीपर में अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसे आप चुन सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक विकेट कीपर को चुन लेता हूँ। उसके बाद आपको बैटर्स चुनना है। ठीक है, बैट्समैन तो मैं दो पाकिस्तान से और 2 श्रीलंका से चुन लेता हूँ। उसके बाद ऑलराउंडर में मैं 3 ऑलराउंडर चुन लेता हूँ, और बॉलर्स में 3 चुन लेता हूँ, बॉलर्स में 4 चुनता हूँ। ठीक है, एक बैटर्स घटा देता हूँ और बॉलर्स 4 चुन लेता हूँ क्योंकि बॉलर्स अच्छा पॉइंट देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखता होगा, प्रीव्यू का आप यहाँ पर दबाकर आप देख सकते हो कि आपका टीम आखिर बना कैसे है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो विकेट कीपर मेरा 1 है, यहाँ पर बैट्समैन मेरा 3 है, और राउंडर मेरा 3 है, और बॉलर्स मेरा 4 है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और उसके बाद इस ऐप में और कुछ होता है, इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखना, ये वीडियो आपका बहुत यूज़फुल होने वाला है। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे दबाते हो आपको कैप्टन और वॉइस कैप्टन चुनने का मौका मिलता है, मतलब आप चुन सकते हो। कैप्टन का मतलब होता है कि अगर आपको पता है मतलब आपका यूनिक टीम में सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन देगा, आपको जिस लगता है अगर आपको ये 100 पॉइंट देता है तो अगर आप कैप्टन चुनते हो अगर ये आपको 100 पॉइंट देता है तो आपका पॉइंट 100 के बजाय 200 हो जाएगा। अगर आप इसे वॉइस कैप्टन चुनोगे तो अगर ये 100 पॉइंट देता है तो ये आपका 150 पॉइंट हो जाएगा, मतलब 50 पॉइंट बढ़ जाएगा और इसमें आपका 100 पॉइंट बढ़ जाएगा कैप्टन में। तो आप देखो सब आपका यूनिक टीम में 11 प्लेयर में सबसे अच्छा पॉइंट कौन देगा। मुझे लगता है अगर ये देगा मतलब ये मुझे 200 पॉइंट दे देगा तो 400 पॉइंट हो जाएगा। अगर मुझे ये बॉलर बैटर्स में ये अगर आपको पॉइंट दे देगा, अगर आपका 200 पॉइंट देगा तो ये आपका हो जाएगा 300 पॉइंट। ऐसे ही आप यहाँ पर सेव कर सकते हो, यहाँ पर अपना टीम को आप सेव कर सकते हो, यहाँ पर सेव का बटन दिखेगा। जैसे ही आप सेव करोगे यहाँ पर एड बैकअप का, अगर आप बैकअप टीम भी चुनना चाहते हो तो आप चुन सकते हो। यहाँ पर आपको एड बैकअप मतलब अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो इसलिए
आप अपना 4 बैकअप प्लेयर भी चुन सकते हो बाकी बचे हुए प्लेयर से। 11 प्लेयर जो बचा है उससे आप अपना बैकअप टीम भी चुन सकते हो। तो 4 में अभी कुछ चुन लेता हूँ, ठीक है, 4 बैकअप टीम। उसके बाद सेव में दबा देते हैं। जैसे ही आप सेव में दबाओगे तो आपका टीम सेव हो जाएगा और ज्वाइन यहाँ पर कॉन्टेस्ट का, यहाँ पर फ्री वाला ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर ज्वाइन कॉन्टेस्ट में जैसे ही दबाते हैं आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाते हो। उसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुली ज्वाइन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्रिएट टीम का ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट टीम, यहाँ पर आप यहाँ से भी आप क्रिएट टीम कर सकते हो। उसके बाद माय कॉन्टेस्ट, मैंने जो ज्वाइन किया है, जो भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया यहाँ पर दिख जाएगा और आपका टीम यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है हम अच्छा से टीम नहीं चुन सकते हैं तो आपको यहाँ पर गाइड का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा टीम मिल जाएगा जो आपको, मतलब बहुत सारा प्लेयर मिल जाता है जो पहले से ही टीम बना के यहाँ पर रख देता है। अगर आपको ये टीम पसंद नहीं है तो आप यहाँ से भी पिक दिस टीम में दबाकर आप इस टीम को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पर सारा चुना हुआ है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा ब्लू ब्लू बूंदी टाइप में। यहाँ पर आपको वॉइस कैप्टन कैप्टन चुन लेना इसे, और यहाँ पर कैप्टन चुन लेना, और आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो। जैसे कंफर्म में कर दिया, यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन कॉन्टेस्ट ना हो यहाँ से आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं माई मैचेस। माई मैचेस में यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टीम जो जो चुना है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने श्रीलंका और पाकिस्तान वाला चुना था, ठीक है, यहाँ पर माय टीम में आपको दिख जाएगा दोनों टीम आपका। अगर आपको लगता है मैंने गलत गलत प्लेयर को चुन लिया है तो आप यहाँ से पेंसिल वाले आइकन में दबाकर, रुकिए पेंसिल वाला आइकन आपको दिखा देते कहाँ पर है, यहाँ पर आपको पेंसिल वाला आइकन दिखता होगा, यहाँ से आप दबाकर अपने टीम को एडिट कर सकते हो, अपने तरीका से एडिट कर सकते हो। लगता है नहीं ये प्लेयर अच्छा नहीं मारेगा तो आप इसे हटा कर इसे चुनकर आप नेक्स्ट करके अपने टीम को सब चीज़ देखकर प्रीव्यू में देखकर आप आराम से, आप यहां पर देख सकते हो आपको जो बैकअप प्लेयर थे यहां पर आपको दिख जाएगा, और आप यहां से कट करके सेव कर सकते हो जिससे आपका टीम सेव हो जाएगा। आप क्या करना बताएं, जब मैच स्टार्ट होने वाला रहेगा उससे 10 मिनट पहले ही आप टीम बनाना, क्योंकि मैच में कॉन्टेस्ट में प्लेयर चेंज होते रहता है। 10 मिनट पहले अगर आप टीम बना लेते हो तो आपका प्लेयर जो जो खेलने वाला है वो चुनने को मिलेगा, और अगर आप मैच स्टार्ट होने के बाद टीम बनाने की कोशिश करोगे तो टीम नहीं बनेगा। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा माई मैचेस रिवॉर्ड्स का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिखता होगा। यहाँ पर आपको एड केस इन्वाइट कलेक्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन दिख जाएगा, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।